हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैनन एडवांस 6575i में प्रॉब्लम आ रहा है। ये ऊपर के कारणों का होता है जिसमें हम ये क्लिप डालेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से ये एरर क्लियर करना है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट डोर खोलेंगे इसका। सामने जो कूलिंग फैन है इसको साइड में कर लेंगे और ये ऊपर का जो कोरोना होता है इसे बाहर निकालेंगे क्लिप को दबा के। ये देखिए, ये वाले क्लिप को इसका स्प्रिंग गिरा हुआ है। देखिए, कभी कभी दोस्तों क्या होता है, ये जो दो वाइट दिख रहे हैं रॉड पे जो चलते हैं वो दूसरी साइड में जाके जमा हो जाते हैं कभी कभी, उससे भी एरर आता है और हमारे इन पट्टियों के घसने से भी एरर आता है। इसको हम सबसे पहले साफ कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, यहाँ पर इसे खोलना है और थोड़ा फिट हो चुका है ये। दूसरा भी खोल लेंगे। ये देखिए, ये दोनों पट्टियाँ हैं। इसे साफ करके मैं बताता हूँ, इसमें जो नॉब होते हैं वो घस चुके होते हैं, प्लास्टिक के नॉब। ये देखिए, ये घस चुके हैं जो स्क्रू पर बराबर चलते नहीं हैं। अब मैं जो न्यू प्लेट है वो बताता हूँ। ये देखिए, इसके नॉब कितने मोटे हैं और ये पुराने वाले ये घस चुके हैं। दोनों एक साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, वो नॉब कितने घस चुके हैं और ये कितने गोल है, जिसकी वजह से ये 60 एरर आता है। ये न्यू लगाएंगे हम। साथ में ये दूसरी पट्टी भी लगा देंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे हम लगा के चेक करते हैं। ये लॉक नहीं हो रहा है। चलिए पहले चेक कर लेते हैं, बाद में करते हैं। इसका स्क्रू फिट कर लेंगे। बस आपको इतना ही करना है, आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा 60 एरर का प्रॉब्लम। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।